गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2011-13 में मेरे एमबीए के दौरान मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बुक, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का सार में समझाऊंगा शायद, उसका उस कॉन्सेप्ट का नाम था द ड्रग इम्पैक्ट या द ड्रग इफेक्ट। इस टाइप का कुछ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी समझाई गई थी, किस तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। और उसके मैंने दो लाइव एग्जांपल्स देखे मेरे लाइफ में, ठीक है। ड्रग इंपैक्ट या जो ड्रग इफेक्ट वाली जो चीज़ समझाई गई वही होती है कि जिस तरह से ये लोग जो ड्रग्स बेचने वाले होते हैं, जो इलीगल जो ड्रग्स बिकती है, ये स्मैक होता है, ये सब चीज़ें होती है, ये सब जो बिकती है, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले अपने जिन लोगों को, जो भी टारगेटेड कस्टमर होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा थोड़ा एक लालच दिया जाता है। जब वो लोग इसके आदी हो जाते हैं ना, तो वो उनके ड्रग्स खरीदने वाले परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और फिर उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है, ठीक है। अब इसके मैंने दो लाइव एग्जांपल देखे। पहला एग्जांपल मैं बताऊंगा जियो का। जियो ने क्या करा, 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में फ्री में डेटा दिया, सब कुछ फ्री में दे रहा, उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया उस टाइम लिमिट को बाद में, ठीक है। फ्री में सब कुछ दे रहा, लोग उसके आदी हो गए, सबके फोन में दो दो सिम हो गई थी उस टाइम, ठीक है। एक जो उनकी पुरानी जो चल रही थी वो, और एक जियो की सिम हो गई थी, तो इस तरह से दो दो सिम हो गई थी। और फिर धीरे धीरे जियो इस तरह से लोगों के सबके फोन में घुस चुकी थी जियो की सिम, और उसके बाद में वो परमानेंट हो गई। लोगों ने अपने पुराने नंबर बंद कर दिए और जियो को ही परमानेंट कर दिया, और फिर जियो ने जबरदस्त तरीके से डेटा पैक्स के जो चार्जेस वो लगाए। ये जो ड्रग्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लागू हुआ। और दूसरा हमारे फील्ड में, हम जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लागू हुआ है, मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। शॉपी के ऊपर बिजनेस करने के बारे में मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को। शॉपी के ऊपर मैंने इस पर वीडियो भी बनाएगी। शॉपी एक नई अभी ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है, ये जो अभी अपने रिटेलर्स को एक फ़ायदा दे रही है कि कोई भी कुरियर चार्जेस वसूल नहीं कर रही है। इसकी वजह से कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ रहा है, तो कस्टमर धड़ल्ले से ऑर्डर दे रहे हैं और सेलर्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और तब भी मैंने उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि आने वाले समय में जरूर 110% ये लोग अपने कुरियर चार्ज लेना शुरू कर देंगे या उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, कंपनी वही ड्रग्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, पहले लोगों को आदि बना रही है। हम जैसे रिटेलर्स को, जो रिटेलर होते हैं, उनको आदि बना रहे कि हम लोग शॉपी पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पर माल बेचना शुरू करें, वहाँ से हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए, हमें लालच पड़ जाए, ठीक है। शॉपी के ऊपर बिजनेस करने के लिए सब लोगों ने हम रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपने प्रोडक्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए। धीरे धीरे, पहले जीरो था शिपिंग कॉस्ट, जीरो था, धीरे धीरे शॉपी ने क्या करा, जीरो से उसको करा 20 रुपया पर पार्सल पे लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो ज़्यादा दिन का गैप नहीं था, थोड़ी दिनों के समय में उसको जीरो से, सॉरी 20 से कर दिया 50, मतलब पर पार्सल 50 रुपीज़ वो लोग ले रहे थे। फिर उसको अब रिसेंटली कर दिया गया 60-60 रुपये पर पार्सल पे लिया जा रहा है शॉपी के द्वारा। ये सब कस्टमर को वहन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक भी रिटर्न जो माल आता है उस पर कोई पेनल्टी नहीं है सेलर के लिए, ठीक है, अभी तक नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 110% गारंटी के साथ कि ये चीज़ें इंक्रीज होगी, और रिटर्न पे जो पैसा लगता है ना, जो पेनल्टी लगती है या जो चार्जेस लगता है कुरियर चार्जेस, वो भी आने वाले समय में ज़रूर लगेगा। तो जितना बेचना बेच लो, जितना पैसा छापना छाप लो दोस्तों, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।